गोदाम में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत, जिला प्रशासन पर ऑक्सीजन न देने का आरोप। हरियाणा के रेवाड़ी में 4 मरीजों की मौत हुई है, निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीज की मौत हुई। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। लुधियाना में पुलिस ने एक दूल्हे को हिरासत में लिया है, शादी में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर दूल्हे के घर वालों को भी थाने ले गए। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 7,771 नए केस आए सामने, एक दिन में 87 मरीजों की जान गई। कोरोना संकट के बीच में वैक्सीन की किल्लत, फिर बंद हुई मुंबई में कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद किया गया। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 5,542 नए केस आए सामने जबकि 64 मरीजों की जान गई। यूपी में 46, उत्तराखंड में 7 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी मिली है, लखनऊ वाराणसी गोरखपुर में बनेंगे ऑक्सीजन के प्लांट, पीएमओ ने जानकारी दी। गृह मंत्रालय का राज्य सरकारों को निर्देश, लिक्विड ऑक्सीजन सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल के लिए है, तत्काल प्रभाव से सरकार को दे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन संकट पर एक्शन में पीएम मोदी, अस्पतालों में 551 प्लांट लगाने को मंजूरी मिली, पीएम केयर्स फंड से लगेगा ये प्लांट। भारतीय वायुसेना ने 3 खाली सिलेंडरों को इंदौर से जामनगर गुजरात लेकर के पहुंचे हैं, ऑक्सीजन रिफिलिंग के बाद वापस टैंकरों को इंदौर ले जाया जाएगा। दिल्ली को कल मिलेगी 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, आज रात रायगढ़ से रवाना होगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। छतरपुर में बने 500 बेड के कोविड सेंटर की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आईटीबीपी के डीजी, कोविड सेंटर को जल्द किया जाएगा शुरू। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में देश के 4 बड़े डॉक्टर्स ने दी सलाह, डॉक्टर त्रिहन ने कहा कि घर से बाहर डबल मास्क पहनकर निकले। डॉक्टर त्रिहन ने लोगों से अपील की है कि ऑक्सीजन जरूरत पड़ने पर ही लें, 90% लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम, निजी सचिव की मौत, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के ड्राइवर की भी कोरोना से मौत हुई। लखनऊ में कोरोना से बीजेपी विधायक की पत्नी का भी निधन हुआ, 2 दिन पहले विधायक सुरेश श्रीवास्तव की भी हो चुकी है मौत। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव, माफिया डॉन का एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आया, आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अस्पताल प्रशासन को निर्देश, अस्पताल से कोई भी मरीज को ना लौटाए। सीएम योगी ने कहा कि सरकारी अस्पताल अगर भर गई हैं तो निजी अस्पताल में मरीजों को भेजें, निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च यूपी सरकार उठाएगी। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी तेज हुई, 100 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन की समस्या पर सीएम योगी का फैसला, अब निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का होगा ऑडिट। यूपी सरकार ने 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन का दिया ऑर्डर, कोविशील्ड कोवैक्सीन के 50-50 लाख डोज के ऑर्डर दिए गए। ऑक्सीजन की कमी पर सीएम केजरीवाल ने उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है, टाटा अंबानी बिरला समेत तमाम बड़े उद्योगपति से ऑक्सीजन के लिए मांगा सहयोग। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, अब 3 मई के सुबह 5 बजे तक दिल्ली में तालाबंदी। सीएम केजरीवाल ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर की, कहा कोरोना से हालात खराब, लॉकडाउन जरूरी है। सीएम केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी पर कहा है कि कई जगहों पर ऑक्सीजन पहुंचाने में देरी हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इस वक्त 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत, लेकिन अलॉट किया गया 490 टन ऑक्सीजन, सही वक्त पर यह भी नहीं मिल रहा। दिल्ली में 40,000 में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 रेमडेसिविर, 1,20,000 रुपए कैश और ऑक्सीजन की 48 बोतल बरामद। दिल्ली में 1 एम्बुलेंस में 7 कोरोना संक्रमितों का शव लाया गया, निगमबोध घाट श्मशान पर लोगों का हंगामा। शमशान घाट पर शवों से भरी एम्बुलेंस की लगी लंबी कतार, निगम बोध शमशान में 1 से 23 अप्रैल तक के बीच में कोविड के 900 शव आ चुके हैं। दूसरी बार कोरोना संक्रमित हुए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, खुद को किया आइसोलेट, बाबुल सुप्रियो की पत्नी की हुई पॉजिटिव। आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह का हालत गंभीर है, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। पद्मश्री वैज्ञानिक प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हुआ, बीएचयू में चल रहा था इलाज, 20 अप्रैल को हुए थे पॉजिटिव। बंगाल में टीएमसी प्रत्याशी काजल सिन्हा की कोरोना से मौत हुई, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने ट्वीट कर काजल के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कोरोना संकट के बीच बोले पीएम मोदी, कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने का समय है, राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के तूफान से देश को बचाना है, इसने झकझोर कर रख दिया है, धैर्य की परीक्षा ले रहा है कोरोना। कोरोना वैक्सीन को लेकर के पीएम मोदी ने अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की, कहा मुफ्त वैक्सीन का कार्यक्रम जारी रहेगा। पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ की, कहा फ्रंटलाइन वर्कर्स भगवान की तरह काम कर रहे हैं। भारत में फैल रहे कोरोना संक्रमण पर अमेरिका ने दिया मदद का भरोसा, कहा हमें भारत में फैल रहे संक्रमण की चिंता है।
देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में करीब 3.5 लाख नए मामले सामने आए। 2,767 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, हर 4 मिनट में एक मरीज की मौत हो रही है। राजधानी में अब तक 13,898 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में ऑक्सीजन की लत पर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला, मौतों के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार बताया, कहा जहरीले विज्ञापनों पर लुटाते रहे पैसा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप, कहा केंद्र ने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया, केजरीवाल ने सिर्फ 1 प्लांट लगाया। महाराष्ट्र में मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन, सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में भी सभी को मुफ्त लगेगी वैक्सीन। गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 3,000 करोड़ की धनराशि खर्च करने का फैसला लिया। महाराष्ट्र बीजेपी का उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप, रेमडेसिविर की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने लोकायुक्त से की शिकायत, एंटी करप्शन ब्यूरो से भी बीजेपी ने शिकायत की। कोरोना संकट को देखते हुए भोपाल में बढ़ी कोरोना कर्फ्यू की मियाद, भोपाल में अब 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। कोवैक्सीन की कीमत को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार का केंद्र पर निशाना, पूछा केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग रेट क्यों,